नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत। नेशनल अनलॉक में कई मंदिर खुल चुके हैं। धीरे धीरे मंदिरों में लोगों की संख्या और दान की राशि भी बढ़ रही है। पटरी पर आते जनजीवन के साथ मंदिरों का सूनापन भी खत्म हो रहा है। वैष्णो देवी मंदिर से लेकर तिरुपति तक जहां भी मंदिर खुले हैं, वहां अब श्रद्धालुओं की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि महाराष्ट्र के सारे मंदिर इस समय बंद है। शिरडी साईं मंदिर, सिद्धि विनायक जैसे बड़े मंदिरों में पिछले 6 महीने से सन्नाटा पसरा हुआ है। भक्तों से खचाखच भरे रहने वाले इन मंदिरों में इतना खालीपन कभी नहीं रहा, लेकिन ऑनलाइन दर्शन चल रहे हैं। 16 अगस्त से शुरू हुए जम्मू के माता वैष्णो देवी मंदिर में सारे चेहरे मास्क लगाए नजर आते हैं। संख्या कम है, लेकिन जय माता दी के जयकारों का जोश वही है। पैदल या बैटरी कार से जाने वाले लोग एक दूसरे को देखकर जय माता दी से एक दूसरे को विश करते हैं, लेकिन अब श्रद्धालुओं की संख्या रोजाना 5,000 कर दी गई है। इनमें से 4,500 लोग जम्मू के होंगे और बाहरी राज्यों से केवल 500 श्रद्धालु। अब तक रोजाना महज 2,000 लोगों को अनुमति थी। इनमें से बाहरी श्रद्धालुओं की संख्या मात्र 100 हुआ करती थी। इसे लेकर जल्द ही मंदिर ट्रस्ट व्यवस्था लागू करने वाला है। वैष्णो देवी दर्शन के लिए हर श्रद्धालु के पास 48 घंटे पहले की COVID-19 नेगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी है। अगर कोरोना रिपोर्ट 48 घंटे से पुरानी है तो उसे मान्य नहीं किया जाएगा। साथ ही 10 साल से कम बच्चों को और 60 साल से अधिक आयु वाले लोगों को अनुमति नहीं दी जा रही। श्रद्धालुओं का एंटीजन टेस्ट भी किया जा रहा है। 30 सितंबर तक की बुकिंग लगभग हो चुकी है। ऑनलाइन अनुमति लेकर आने वाले लोगों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत।